आज मध्य प्रदेश को लेके एक शुभ समाचार आपको देना है। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और आज एक ऐसे शख्स जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक रहे, दो बार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, श्री अखंड प्रताप सिंह जी यादव, वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनका अपना राजनीतिक जीवन, तीन बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया टीकमगढ़ क्षेत्र का, लेकिन इनके पिताजी, जो इनके पिताश्री थे, वो भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। जनता पार्टी के जमाने में, उस समय जब पूरे देश में आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से निकले चंद्रशेखर जी के साथ, उस जमाने में समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बन के इन्होंने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 77 में पहली बार विधायक हुए, उसके बाद 93 में विधायक हुए और 2003 में विधायक हुए। तो तीन बार विधायक बने, दो बार मंत्री बने। मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी परिवार में, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में, भाई अखंड प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी में इनके शामिल होने से मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कारमा और तेजी के साथ और मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब में जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जनता के लिए जो जनहितकारी काम हैं, उसकी बदौलत आज हमारी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है और तमाम अच्छे लोग पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो मैं पहले इनके शामिल होने की औपचारिकता पूरी करूंगा, उसके बाद अखंड प्रताप जी आप लोगों से बातचीत करेंगे। नहीं, ये चालू चलिए।